प्रकार की घटनाएं नहीं घटी कि वो समाज को सार्वजनिक रूप से धमकियां दे। अभी जैसे कि आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, परसों उन्होंने वहां जूनागढ़ से एक वीडियो जारी किया है और जैन परंपरा में जैन तीर्थंकरों के मोक्ष जाने पर लाडू और समर्पण की आज से नहीं हजारों वर्षों से प्रथा चलती आ रही है और हम लोग बड़े उत्साह के साथ अपने 24 तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याण मनाते हैं। ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है कि कोई आदमी इस लोकतंत्र के अंदर किसी समाज के संवैधानिक धार्मिक सामाजिक अधिकारों का इस प्रकार से हनन करे। और मैं आपको बता दूं कि 17 फरवरी 2005 को माननीय गुजरात हाईकोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिए हुए हैं कि उस पांचवी टोक पर किसी भी धर्म का मानने वाला जाए वो केवल दर्शन ही ना करे, वो पूजा भी कर सकता है, ऐसे हमारे पास आदेश है। तो केवल जैनों को डराने के लिए जिस प्रकार की माहौल उन्होंने बनाने का प्रयास किया वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इन्हीं सब विषयों को लेकर हमने कई दिन से प्रयास कर रहे हैं और शिकायतें भी की हैं। इसी संदर्भ में श्री ऋषभ व्यास मंदिर जी के इसी प्रांगण में सोमवार को 10 बजे हम लोगों ने विशेष सभा का आयोजन किया है, जिसमें हम समस्त समाज कमेटियां और हमारी प्रबंधक समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और आगामी रणनीति की बात करेंगे। क्योंकि दिल्ली से एक संदेश जाना और विशेष रूप से मैंने प्रधान जी से निवेदन किया था कि क्योंकि हमारे पास समय नहीं था कि हम लिख के दें या उन्हें व्यवस्थाएं करें, क्योंकि ऋषभ विहार आज पूरे देश में पूरे विश्व सारा मीडिया ऋषभ विहार को जानता है और यहाँ से उठने वाली सभी आवाज़ निश्चित रूप से परिणाम लेके आती है। तो हम 10 बजे हमने यहाँ छोटी सी विशेष सभा का आयोजन रखा है, सब अपनी बात रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ से 2 बजे लगभग 2 बजे हम गुजरात भवन में गुजरात सरकार के लिए एक ज्ञापन गुजरात एजुकेशन कमिश्नर को सौंपेंगे और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के नाम भी हम ज्ञापन सौंपेंगे और समाज की जैसी परसों यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं बनेंगी हम उसी रणनीति पर आगे कार्य करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमें किसी भी स्टैंड तक जाना पड़े, इस 13 जुलाई को हम अपने निर्वाण लाडू को उस 5वीं टोक पर अवश्य चढ़ाएं। सभी को जय जिनेंद्र। मैं सबसे निवेदन करूंगा आप यथासंभव समय पर आए और अपने साथ, क्योंकि तो समय कम है, हम व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं निमंत्रण दे सकते, आपको सभी अपने परिवार और मित्रों के साथ इस विशेष सभा में जरूर आए। जय जिनेंद्र। धन्यवाद।